यहाँ सिग्नल्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, वीडियोस थे उनमें कुछ कमेंट्स में आपके कमेंट्स थे कि डीएफटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं, जिसमें हम डीएफटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ सिग्नल्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो अभी तक जो वीडियोस थे उनमें कुछ कमेंट्स में आपके कमेंट्स थे कि डीएफटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं, तो यहाँ हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिसमें हम डीएफटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और जो रिजल्ट्स हैं फिर हम देखेंगे कि वो क्या सिग्निफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, टू सिक्वेंसेज एक्स वन ऑफ एन एंड एक्स टू ऑफ एन आर गिवन एज, एक्स वन ऑफ एन गिवन है जिसमें सैम्पल्स हैं 4, 6, 8, 6, एक्स टू ऑफ एन 2, 4, 6 एंड माइनस 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक्स वन ऑफ एन इज सर्कुलरली इवन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, एक्स टू ऑफ एन इज सर्कुलरली ऑड। थर्ड स्टेटमेंट है, रिजल्ट ऑफ देयर लीनियर कॉन्वोल्यूशन इज दिस, वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू 8, 28, 64, 64, 48, -4 and -24। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, रिजल्ट ऑफ देयर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन इज वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू 56, 32, 40 and 64। तो पूछा गया इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चार ऑप्शंस हैं, 1 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1 and 4। तो देखिए क्वेश्चन हम इसमें डील करेंगे, जब हम इस वीडियो को आगे करेंगे, तो यहाँ पर सर्कुलरली इवन सीक्वेंस क्या होते हैं और सीक्वेंस क्या होते हैं, लीनियर और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, फिर हम उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने अगर ये सॉल्व किया होगा तो आपके पास आंसर आ गया होगा इसका। अब जो लोग नहीं कर पाए तो उनके लिए हम इसमें देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो जैसे सबसे पहले अगर आप डीएफटी की बात करते हैं, एंड पॉइंट डीएफटी आप अगर किसी सिग्नल के लिए अगर लिखते हैं, जैसे आपने रिविजन वीडियोज़ में भी ये चीज़ें तो देख ली हुई थी कि जैसे एक्स ऑफ के से अगर आप एंड पॉइंट डीएफटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्नल एक्स ऑफ एन के लिए, तो ये वैल्यू आप लिखते हैं समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस ऑफ जे 2π kn/n। ये हमारा एंड पॉइंट डीएफटी है जहां पर एन की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to n-1, और के की भी वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक वेरी करेगी, के इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 up to n-1। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसका इनवर्स डीएफटी कैलकुलेट करते हैं, तो जो इनवर्स डीएफटी हमारे पास सीक्वेंस एक्स ऑफ एन आता है उसके लिए आप लिखते हैं इक्वेशन एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1/n समेशन के इज इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ के ई टू द पावर प्लस जे 2π kn/n। ठीक है, यहाँ पर समेशन में k की वैल्यू 0 to n-1 वेरी कर रही है और n की भी वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फ्रॉम 0, 1, 2 up to n-1। ठीक है, ये तो हमारे पास DFT और IDFT के बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक डेफिनेशन से। अब जैसे ये जो x ऑफ n आप फाइंड करते हैं IDFT लेकर, तब जो आपको सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस, ये जो x ऑफ n है यही सीक्वेंस मिलता है, लेकिन अब वो कैसा मिलता है आपको, पीरियोडिकली रिपीटेशन आपको मिलता है उसका, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो सीक्वेंस आपको पीरियोडिकली रिपीटेड वैल्यूज मिलती है। अगर इन्हीं इक्वेशंस को आप अपने फूरियर सीरीज के, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज के इक्वेशन से कंपेयर करें, तो जैसे किसी सीक्वेंस जो पीरियोडिक हो एक्स ऑफ एन, उस पीरियोडिक सीक्वेंस के लिए आप फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज सी के इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं 1/n समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n-1 जिस सीक्वेंस का आपको निकालना है एक्स ऑफ एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे 2π kn/n। ठीक है, और जब आप इसके लिए इनवर्स फूरियर सीरीज देखकर, मतलब इस सिंथेसिस इक्वेशन जिसको आप कहते हैं एक्स ऑफ एन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होती है, तो वहां से आप लिखते हैं एक्स ऑफ एन सीक्वेंस इज इक्वल्स टू समेशन के इज इक्वल्स टू 0 to n-1 डीएफटी, ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोफिशियंट सी के इंटू ई टू द पावर जे 2π kn/n। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास एक चीज़ हमने क्या बात की, जब हम IDFT लेंगे तब जो हमें सीक्वेंस मिलता है वो क्या होता है, एक्चुअल सीक्वेंस का पीरियोडिक रिपीटेशन होता है। तो अगर आप एक्स ऑफ एन के डीएफटी एक्स ऑफ के है, तो उस पीरियोडिक सीक्वेंस की भी अगर आप डीएफटी कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको सेम वैल्यू मिलती है एक्स ऑफ के। तो इसलिए अगर ये सीक्वेंस पीरियोडिक होता और आप अगर इसका डीएफटी कैलकुलेट करते तो भी आपको एक्स ऑफ के ही मिलती। तो यहां से आप कंपेयर करके कह सकते थे कि सी के, ये यहां से अगर आप देखें एक्स ऑफ के, तो एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, एन टाइम्स सी के। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है रिलेशन से, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज और डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच का रिलेशन
कि x ऑफ k इज इक्वल्स टू n टाइम्स c ऑफ k, और IDFT के बीच का भी रिलेशन आप देख सकते हैं कि ये जो x ऑफ n है और यहाँ से जो x ऑफ n मिल रहा है ये आपकी कैसी वैल्यू है, यहाँ पर ये 1 बाई n का टर्म नहीं है तो इसमें आपका 1 बाई n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जैसे आप रिलेशन की अगर बात करें तो एक मिनट में आप ये भी रिलेशन देख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ DFT विथ Z ट्रांसफॉर्म के साथ भी DFT का आप रिलेशन देख सकते हैं। जैसे किसी सिग्नल x ऑफ n के लिए आप Z ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं, बाय डेफिनेशन समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सीक्वेंस x ऑफ n इनटू Z टू द पावर माइनस n, ठीक है। अब अगर आप यही Z ट्रांसफॉर्म इवेल्यूएट करें ऑन यूनिट सर्कल, मतलब जो Z की वैल्यू आप लिखते हैं r e टू द पावर j ओमेगा, अगर आप वो यूनिट सर्कल पर इवेल्यूएट कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड अगर आप Z का 1 ले लें, r की वैल्यू 1 ले लें, और जो ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z उस यूनिट सर्कल पर इक्वली स्पेस्ड आप उसको क्या कर दें, अगर पार्ट्स में बांट दें, कितने पार्ट्स में, n पार्ट्स में, तो यहीं से मतलब अगर हम z की वैल्यू को पुट कर दें यहां पर r की वैल्यू 1 लेकर e टू द पावर j 2 पाई k अपॉन n, अगर जो ओमेगा था e टू द पावर j ओमेगा होना था, उस ओमेगा का अपने ओमेगा के लिए क्या कर दिया, अगर n इक्वली पॉइंट्स में यूनिट सर्कल को डिवाइड कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू अगर आपने 2 पाई k अपॉन n पुट कर दी तो देखिए यहीं से x ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाती, x ऑफ z इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n अपॉन n। अब अगर ये जो सीक्वेंस है हमारा x ऑफ n, अगर हम कहें कि इफ x ऑफ n इज अ कॉजल सीक्वेंस Having n samples, अगर हमारे पास ये जो x of n है, अगर ये causal sequence है और इसमें सिर्फ n samples हैं, तो causal sequence है तो ये limits जो है वो 0 से start होगी, और अगर इसमें सिर्फ n samples हैं तो 0 से लेकर हमारी ये limits कहाँ तक होंगी, n minus 1 तक। मतलब आप x of z is equals to कह सकते थे उस case में कि x of z is equals to summation n is equals to 0 to n minus 1 x of n e टू द पावर माइनस ऑफ j 2 पाई k n अपॉन n। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो x ऑफ z है जो हमने कहाँ पर फाइंड किया है, एट z इज इक्वल्स टू e टू द पावर j 2 पाई k अपॉन n पर। तो ये चीज़ आपको क्या दे रही है, सेम एक्सप्रेशन जो किसके लिए लिखते हैं आप, DFT के लिए लिखते हैं। तो अगर आप z ट्रांसफॉर्म में यूनिट सर्कल पर इक्वली स्पेस्ड सैंपल्स ले लें z के, तो आपको z ट्रांसफॉर्म ही क्या दे देता है, DFT दे देता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें सर्कुलर सिमेट्रीज ऑफ अ सीक्वेंस, सर्कुलर सिमेट्रीज से क्या मतलब है, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x ऑफ n जो है हमारा x1 ऑफ n क्या वो सर्कुलरली इवन है, या x2 ऑफ n क्या वो सर्कुलरली ऑड है, तो देखिए सर्कुलर सिमेट्रीज क्या होती है सीक्वेंस की, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमने x ऑफ n के लिए DFT कैलकुलेट किया, अगर वो वैल्यू x ऑफ k है, और अगर उस x ऑफ k की हम इनवर्स DFT कैलकुलेट करें तो हमें एक्चुअली मिलना क्या चाहिए था, ये सीक्वेंस x ऑफ n मिलना चाहिए था, मिलता यही सीक्वेंस x ऑफ n है, लेकिन अब वो सीक्वेंस हमें कैसा मिलता है, पीरियोडिकली रिपीटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसे अगर हमने मान लिया कि हमारा एक्स पी ऑफ n एक सीक्वेंस है जो x ऑफ n से कैसे रिलेटेड है, लिमिट l इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस ln, जहां पर n क्या है, जितने सीक्वेंस जितने सैंपल्स हैं उसमें, तो यहां से आप अगर देखेंगे अगर आप l टेंड्स टू जीरो पुट कर देंगे तो x ऑफ n मिलेगा, 1 पुट कर देंगे तो n माइनस n मिलेगा, n माइनस 2 मिलेगा, तो मतलब ये चीज़ अब आपकी x ऑफ n कैसी है, पीरियोडिकली रिपीटेड है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि x ऑफ n सिग्नल के लिए DFT आपने कैलकुलेट किया और अगर ये वैल्यू x ऑफ k होती है, तो अगर आप इस पीरियोडिक सीक्वेंस xp ऑफ n के लिए DFT कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी जो होगी वो क्या होगी, x ऑफ k ही होगी, ठीक है। अगर आपने किसी सिग्नल x ऑफ n का DFT कैलकुलेट किया फिर उसका इनवर्स DFT लिया तो आपको क्या मिलेगा, वही सीक्वेंस पीरियोडिकली रिपीटेड मिलेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर x ऑफ n की DFT x ऑफ k थी वैल्यू, तो अगर आप xp ऑफ n की भी DFT कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, x ऑफ k ही मिलेगी, ठीक है।
तो अब अगर आप इन दोनों से देखकर xp ऑफ n की वैल्यू देखें, तो xp ऑफ n ये जो सीक्वेंस होगा, आप यही इसी रिलेशन से ऐसा भी लिख सकते हैं कि xp ऑफ n हमारा सीक्वेंस x ऑफ n के ही बराबर होगा, किसके लिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें कि जो x ऑफ n सीक्वेंस होगा वो xp ऑफ n के बराबर ही होगा, लेकिन किसके लिए, जब तक n की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर कहां तक है, n माइनस 1 तक, क्योंकि ये सैंपल तो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन x ऑफ n हमारा सिर्फ एक ही बार उसमें वो सैंपल्स हैं, तो x ऑफ n को हम xp ऑफ n के बराबर लिख सकते हैं, कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 तक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये सपोज हमारे पास n के रिस्पेक्ट में हमारा सिग्नल था x ऑफ n, जिसमें चार सैंपल्स थे, सपोज 4, 3, 2 एंड 1, ये चार सैंपल्स हैं 4, 3, 2 एंड 1, ये फोर पॉइंट सीक्वेंस था n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3 के लिए। अगर आपने इसके लिए DFT कैलकुलेट किया और फिर उस DFT का इनवर्स DFT लिया, तो आपको मिलनी ये सीक्वेंस चाहिए थी वैल्यू, लेकिन आपको मिलती क्या चीज़ है, अगर आप देखें तो आपको ऐसी चीज़ मिलेगी, जब आप इनवर्स DFT लेंगे तो ये 4, 3, 2, 1 ये वैल्यूज़ तो होंगी ही, लेकिन अब फिर से यही वैल्यूज़ रिपीट होती रहेंगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस तरफ भी है, इस तरफ भी अगर आप देखें तो आपको इस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये n इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ भी ये -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी। तो आप अगर इस x ऑफ n और xp ऑफ n सिग्नल को देख रहे हैं, ये क्या हमारा xp ऑफ n सिग्नल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं x ऑफ n हमारा xp ऑफ n के बराबर ही है, लेकिन सिर्फ कब से कब तक, 0 से लेकर n माइनस 1, मतलब अगर n की वैल्यू 4 थी तो 0 से लेकर सिर्फ 3 तक हमारी वैल्यू x ऑफ n के बराबर है, तो इसलिए आपने लिखा कि x ऑफ n हमारा क्या होगा, xp ऑफ n के ही बराबर होगा, लेकिन कब तक, सिर्फ 0 से लेकर n माइनस 1 तक, ठीक है। अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है xp ऑफ n, अगर आप इस सीक्वेंस को शिफ्ट कर दें, कितने से शिफ्ट कर दें, सपोज k सैंपल्स से, तो अगर हम xp डैश ऑफ n एक सिग्नल डिफाइन करें, जो xp डैश ऑफ n किसके बराबर है, xp ऑफ n माइनस k, अगर हमने इसको क्या किया, n सैंपल k सैंपल से डिले कर दिया, सपोज k की वैल्यू 2 लेकर अगर हम यही ड्रॉ कर लें, सपोज हमने ये ड्रॉ किया है n के रिस्पेक्ट में, अगर हमने ड्रॉ किया xp डैश ऑफ n, जो कैसे मिलेगा हमें, इनको 2 सैंपल से अगर हम डिले कर दें, मतलब ये जो वैल्यू 4 है ये कहां पर शुरू होगी, अब ये 4 की वैल्यू आपको 2 पर मिलेगी, 4, 3, 2, 1, ये वैल्यूज 4, 3, 2, 1, फिर से यहां पर अगर आप वैल्यू देखेंगे ये 4, 3, इस टाइप से आपको वैल्यूज मिलेंगी, यहां क्या वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से आपको वैल्यूज मिलेंगी, 4, 3, 2, 1, फिर ये 4, 3, 2, 1, ये रिपीटेशन हमारा कहां से कहां तक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब अगर इसी रिलेशन से आप देखें xp ऑफ n, अगर हमारा l माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस ln के बराबर है, तो xp डैश ऑफ n, जिसकी वैल्यू को आपने लिखा xp ऑफ n माइनस k, अगर यहां हम n माइनस k पुट कर दें, तो यहां भी क्या पुट करना पड़ेगा हमें, n माइनस k, दोनों तरफ n को n माइनस k से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, x ऑफ, यहां पर x वैल्यू है, इसको आप लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू समेशन l इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k माइनस ln, ठीक है, इसी इक्वेशन से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा है कि x ऑफ n हम फाइंड कर सकते हैं xp ऑफ n से इस रिलेशन से, ऐसे ही अगर आपके पास xp डैश ऑफ n है, तो यहां से आप x डैश ऑफ n भी फाइंड कर सकते हैं, x डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, इट इज इक्वल्स टू xp डैश ऑफ n बट फॉर 0 टू n माइनस 1 ओनली एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज।
ये हमारा x डैश ऑफ n सिग्नल है, जैसे हमने कहा ये xp डैश, ये xp ऑफ n है, इससे हम x ऑफ n कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ 0 से लेकर 3 तक सैंपल्स ले लीजिए, वो हमारा x ऑफ n सिग्नल होगा। ऐसे ही अगर ये xp डैश ऑफ n सिग्नल है हमारा, और इससे अगर हमें x डैश ऑफ n लेना है, तो भी हमें कहां से कहां तक लेनी है वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 बस इतनी वैल्यू ले लीजिए, तो यहीं से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सिग्नल n के रिस्पेक्ट में x डैश ऑफ n। इस सिग्नल की वैल्यू देखिए कैसी है, इट इज 2 1, फिर उसके बाद ये वैल्यूज हैं 4 एंड 3, 2 1 4 एंड 3, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 तक, ठीक है। तो ये जो हमारा सिग्नल है x डैश ऑफ n, इसको हम कहते हैं कि ये जो x डैश ऑफ n है, दिस x डैश ऑफ n इज रिलेटेड टू x ऑफ n बाय अ सर्कुलर शिफ्ट। अब यहां से आप सर्कुलर शिफ्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस था x ऑफ n, अगर हम इसको सीधे 2 सैंपल से डिले कर देते तो यहां पर वैल्यू 0 हो जाती, यहां वैल्यू 0 हो जाती, यहां से 4 3 2 1 ये वैल्यूज मिलती। लेकिन अब हमें कैसी वैल्यूज मिल रही हैं, ये x ऑफ n को जैसे आपने कहां पर फोल्ड किया हो, कहां पर शिफ्ट किया हो, अगर हमारे पास कोई सर्कल पर वैल्यू होती और उस सर्कल को आप रोटेट कर देते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है इस साइन पर। ये जो हमारा x डैश ऑफ n हमने लिया है वो किसके लिए हमने लिया है, xp ऑफ n माइनस k से हमने कैलकुलेट किया, मतलब हम अगर यहां पर डिले कर रहे थे सैंपल्स को, तो यहां से ये जो x डैश ऑफ n है वो इस x ऑफ n से कैसे रिलेटेड है, एक सर्कुलर शिफ्ट से रिलेटेड है। तो सर्कुलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अब आपको यहां से देखना है कि ये जो हम लिखते हैं x डैश ऑफ n, x डैश ऑफ n को हम लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस k मॉड्यूलो n, या फिर इसी के लिए आप जो शॉर्ट हैंड रोटेशन यूज करते हैं दैट इज x डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस k, और यहां n अगर लिख दिया तो हम इसको पढ़ते हैं x ऑफ n माइनस k मॉड्यूलो n। तो ये जो आप लिख रहे हैं यहां पर मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि सर्कुलर शिफ्ट क्या होती है। तो जैसे अगर आपको यहां से अगर हम देखें, ये जो हमारा x डैश ऑफ n हमने लिया है, ये x डैश ऑफ n, वो यहां पर k कितनी वैल्यू पुट की थी आपने, कितने टाइम शिफ्ट किया था, 2 टाइम्स, मतलब ये कैसा हमारा n माइनस 2 मॉड्यूलो n है, ठीक है। तो अगर यहां से आप देखें x डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू, हम कह रहे हैं x ऑफ n माइनस 2, और हमारे n की वैल्यू कितनी थी, कितने सैंपल्स थे इसमें, 4 सैंपल्स थे, मतलब हमारा जो x डैश ऑफ n होगा वो कैसा होगा, x ऑफ n माइनस 2 मॉड्यूलो 4, ये n की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है। तो अब अगर इस चीज को आप समझें, जब भी आपको कोई फंक्शंस ड्रॉ करने होते हैं तो 3 स्टेप में आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास x ऑफ n जो सैंपल जो सीक्वेंस था उसमें क्या वैल्यूज थी, अगर 4 3 2 1, तो जब आपको प्लॉट करना हो, सबसे पहले अगर हमें प्लॉट करना है टू प्लॉट x ऑफ n मॉड्यूलो n, तो आपको क्या करना है, आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उस सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ये वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं, ये जो वैल्यूज हैं 4 3 2 1, अगर हमने यहां पर x ऑफ 0 दैट इज 4, यहां आपने क्या लिया x ऑफ 1 दैट इज 2 3, यहां आपने लिया x ऑफ 2 दैट इज व्हाट 2, और यहां पर आपने ले लिया अगर x ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपने एक सर्कल पर प्लॉट किया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस चीज को हम क्या नाम देंगे, x ऑफ n मॉड्यूलो n नाम देंगे, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कोई भी सर्कुलर शिफ्ट देनी है, तो जैसे आप यहां पर 2 से शिफ्टिंग दे रहे हैं, तो अगर नेगेटिव शिफ्टिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी को रोटेट कर दीजिए इस सर्कल पर वैल्यूज को, अगर ये पॉजिटिव साइन है शिफ्टिंग का तो इन्हीं वैल्यूज को आप कैसे रोटेट कर दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम यहीं पर ये x ऑफ हमने जो ड्रॉ किया ये क्या हमारा x ऑफ n मॉड्यूलो 4 है, अब अगर हम यहीं पर ड्रॉ करें टू प्लॉट x ऑफ n माइनस 2 मॉड्यूलो 4, तो x ऑफ n माइनस 2 मतलब इन्हीं वैल्यूज को हमें कैसे रोटेट करना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपने यही सर्कल ड्रॉ किया और अब इस सर्कल पर अगर आपने इसको वैल्यूज को 2 से रोटेट कर दिया, मतलब ये जो x ऑफ 0 का पॉइंट है, एक बार रोटेट करते तो यहां आ जाता, दो बार रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा,
इस जगह पर, ये हमारा पॉइंट है x ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद सारी वैल्यूज वैसे ही शिफ्ट हो गई होंगी, तो यहां पर हमारा x ऑफ 1 होगा दैट इज इक्वल्स टू 3, यहां पर हमारा x ऑफ 2 होगा दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहां हमारा x ऑफ 3 होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारा सीक्वेंस हमें मिला है, अब जो आप देखेंगे इस सीक्वेंस को अगर, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, x ऑफ 0 की जगह पर अब क्या आ गई है वैल्यू 2, उसके बाद क्या है वैल्यू 1, उसके बाद क्या है वैल्यू 4, और उसके बाद क्या है वैल्यू 3। तो आप देखें अगर, तो यही चीज आपको यहां से मिल रही थी 2 1 4 3। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये x1 ऑफ n, x डैश ऑफ n क्या था, ये सिग्नल हमारा x ऑफ n माइनस 2 मॉड्यूलो 4 था, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पेस नहीं है, अब हम रब करके और देखते हैं कि और हम ये चीजें मॉड्यूलो के अंदर ऑपरेटर्स कैसे ड्रॉ करते हैं और सर्कुलरली इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। चलिए, तो जैसे अभी आपने देखा, अगर हम x ऑफ n मॉड्यूलो n की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यूनिट सर्कल पर यहाँ x ऑफ 0 एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 प्लॉट करेंगे, ठीक है। आपने देख लिया, अगर हम इसको डिले करते हैं तो जितने टाइम्स आपको डिले करना है उतने टाइम्स एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना है आपको। अगर सपोज यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होता x ऑफ n प्लस 1 मॉड्यूलो n, तो क्या करते हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्कल को रोटेट करते वन टाइम्स। तो ये जो x ऑफ 0 है, अब ये कहाँ आ जाता, ये आ जाता हमारा x ऑफ 0, फिर यहाँ पर ये वैल्यू होती x ऑफ 1, ये वैल्यू x ऑफ 2, एंड ये वैल्यू x ऑफ 3 हो जाती, ठीक है। अगर आपको प्लॉट करना है x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n, जिसको आप कहते हैं सर्कुलर फोल्डिंग ऑपरेशन, तो अगर हमें यहाँ प्लॉट करना है x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n, तो अब आप x ऑफ 0 यहीं से स्टार्ट करके जो आप एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सीक्वेंस प्लॉट करते थे x ऑफ n के लिए, वो आप कैसे प्लॉट करेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ x ऑफ 0, अब x ऑफ 1 कहाँ आएगा, ये हमारा x ऑफ 1, यहाँ हमारी वैल्यू x ऑफ 2, और यहाँ वैल्यू होगी x ऑफ 3। तो आप इसको क्या बोलते हैं, x माइनस n मॉड्यूलो n। ये जो x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n है, अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, x ऑफ n माइनस n के बराबर है। जैसे मान लीजिए ये हमारा x ऑफ n था, ठीक है। अगर आप x ऑफ 4 पॉइंट के लिए, अगर आप x ऑफ कोई एक सीक्वेंस नाम दे दें, सपोज x1 ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस n, ठीक है। तो अगर आप यहां से x1 ऑफ 1 देखेंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x ऑफ n अगर 4 है तो 4 माइनस 1 दैट इज x ऑफ 3 के बराबर। तो आप अगर देखें, ये जो हमारा x ऑफ 1 है, यहां पर हमारे पास जब हमने फोल्डिंग ऑपरेशन कर दी है, तो ये क्या वैल्यू मिल रही है, x ऑफ 1 किसके बराबर है, x ऑफ 3 के बराबर है। अगर आप यहां पर x1 ऑफ 2 देखें, तो x1 ऑफ 2 किसके बराबर है, ये x1 ऑफ 1 किसके बराबर है, x ऑफ 3 के बराबर है। x1 ऑफ 2 अगर आप देखें, दैट इज x ऑफ 4 माइनस 2, ये किसके बराबर होगा, x ऑफ 2 के ही बराबर होगा। तो यहां पर जो x ऑफ 2 है वो दिख रहा है आपको, इसमें भी क्या है, वहां पर x ऑफ 2 ही वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसे ही अगर आप x1 ऑफ 3 देखें, तो x1 ऑफ 3 किसके बराबर होगा, x ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ 1 के बराबर होगा। तो x ऑफ 3 अगर आपने देखा, जहां x ऑफ 3 है वो किसके बराबर है, x ऑफ 1 के बराबर है। तो हम इसको कहते हैं सर्कुलरली फोल्डेड सीक्वेंस x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n। जब आपको ये करना है तो क्या करना है, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज को पुट कीजिए, तो आपको x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज प्लॉट कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, x ऑफ n मॉड्यूलो n मिलेगा। तो अब आप किसी सीक्वेंस को आप कहते हैं, फॉर अ सीक्वेंस टू बी सर्कुलरली इवन, किसी सीक्वेंस के सर्कुलरली इवन होने की क्या कंडीशन है, अगर आपने x ऑफ n माइनस n किया और अगर वो वैल्यू किसके बराबर है, x ऑफ n के बराबर, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर, आपको जो चेक करनी है वैल्यू n इन बिटवीन 1 एंड n माइनस 1, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं सर्कुलरली इवन सीक्वेंस। जैसे आप नॉर्मली इवन सिग्नल की बात करते हैं, तो x ऑफ माइनस n x ऑफ n के बराबर होना चाहिए। ये अभी हमने देखा, ये जो हम x ऑफ n माइनस n लिख रहे हैं, एक्चुअली वो किसके बराबर है, x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n के बराबर है। तो जब हमारी ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो ऐसे सीक्वेंस को आप कहते हैं सर्कुलरली इवन सीक्वेंस। और ऐसे ही फॉर अ सीक्वेंस टू बी
सर्कुलरली ऑड, ऑड के लिए क्या प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, x ऑफ n माइनस n किसके बराबर होना चाहिए, x ऑफ माइनस माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर होना चाहिए। तो अगर x ऑफ n माइनस n हमारा माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर होगा, किस इंटरवल में देखना है आपको, n की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है हमारा, सर्कुलरली ऑड है। तो जब आपको सर्कुलरली इवन या सर्कुलरली ऑड सीक्वेंसेस देखने हैं, तो आप यूनिट सर्कल जो सर्कल पर प्लॉट करेंगे उसकी वैल्यू जीरो पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें तो सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब जीरो पॉइंट के जस्ट बाद और जस्ट पहले जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अगर सेम है तो सारी पॉइंट, जैसे ही मान लीजिए हमने अगर कोई एक सीक्वेंस ले लिया, सपोज एक्स ऑफ एन हमारा कैसा सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 माइनस ये वैल्यू अगर फिर से आपको मिले 4 3 2 1, अगर आप इसको एक सर्कल पर प्लॉट करते, ये हमारा सर्कल है, आपने इस पर वैल्यूज प्लॉट की, ये x ऑफ 0 1 है, ये 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, फिर ये वैल्यू 4 है, उसके बाद की वैल्यू आपको दिख रही है 3, उसके बाद की वैल्यू आपको दिख रही है 2, ये 1 नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ इतना सीक्वेंस अगर हम देखें। तो इसमें आप देखिए ये हमारा क्या है, x ऑफ 0 है, इसके बाद ये x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4 ऐसी वैल्यूज हैं। तो अगर आप इस 0 पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, इससे एक डिस्टेंस इधर चले तो 2, एक डिस्टेंस पीछे भी गए तो क्या है वैल्यू, 2 है, 2 डिस्टेंस आगे भी 3 है, 2 डिस्टेंस पीछे भी 3 है, 3 डिस्टेंस आगे भी 4 है, पीछे भी 4 है, मतलब इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, इट इज सर्कुलरली इवन सीक्वेंस है। अब अगर यहीं पर हम अगर सीक्वेंस ले लें, x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 -4 -3 -2, अब अगर इस सीक्वेंस को आप प्लॉट करते, इसको मैं क्या करूं, अगर ये 0 बना ले, ठीक है, अब अगर इसको आप प्लॉट करते तो देखिए कैसी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 0, फिर -4, फिर ये वैल्यू -3, ये वैल्यू -2। अब अगर हम देखें ओरिजिन पॉइंट से एक आगे +2 है और उसके जस्ट पहले क्या है -2, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होनी चाहिए, सर्कुलरली ऑड के लिए क्या होना चाहिए, x ऑफ n माइनस n हमारा माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी तभी फुलफिल करेगी जब ओरिजिन के अबाउट ये जो सिमेट्री हो कैसी हो, जैसी इधर पॉजिटिव वैल्यू उतने ही डिस्टेंस पर पहले क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, या अगर इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे आप इसमें केस कंसिडर कर रहे हैं, ये हमने कितने सैंपल्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स लिए हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें इस सीक्वेंस में कि x ऑफ, अगर हम x ऑफ n माइनस 4 करेंगे, मतलब 8 माइनस 4 अगर आप करेंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर, और n की वैल्यू हमने कितनी पुट की है यहाँ पर, 4 पुट की है। तो मतलब x ऑफ 4 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ x ऑफ 4 के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी कभी फुलफिल कर सकती है, एक ही केस में, जब x ऑफ 4 क्या हो हमारा, 0 हो। ऐसे ही आपने जब आप डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसके केस में क्या होना चाहिए, अगर सिग्नल ऑड चाहिए आपको तो नेसेसरीली उसके ओरिजिन पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ऐसे ही यहाँ पर अगर सर्कुलरली कोई सीक्वेंस ऑड होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये जो वैल्यू यहाँ होगी सेंटर के जस्ट अपोजिट साइड में, वो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये सीक्वेंस क्या होगा हमारा, ऑड होगा, अदरवाइज ये सिग्नल ऑड कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सर्कुलर इवन और ऑड समझकर अब आप इन दो स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ये जो x ऑफ n है, अगर आप इसमें देखें, ये x ऑफ x1 ऑफ n है, ये x2 ऑफ n है, इस सिग्नल में x1 ऑफ n माइनस n, आप अगर देखें x1 ऑफ n की वैल्यू आपकी 4 है तो 4 माइनस n, ये हमारा कैसा मिलना चाहिए, x1 ऑफ n के बराबर, तभी आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या हमारा, सर्कुलरली इवन है। अगर हमने n की वैल्यू हमें कहां से कहां तक पुट करनी होती है, 1 से लेकर n माइनस 1 तक, n की वैल्यू 4 है तो 1 2 और 3, तीन वैल्यूज पुट करके आपको चेक करना है। अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो x1 ऑफ 4 माइनस 1 ये किसके बराबर होना चाहिए, x1 ऑफ 1 के बराबर, मतलब x1 ऑफ 3 की वैल्यू x1 ऑफ 1 के बराबर होनी चाहिए। ये हमारा x ऑफ 0 है, ये x ऑफ 1 है, ये x ऑफ 2 है, x1 ऑफ 1, x1 ऑफ 2, और ये वैल्यू हमारी x1 ऑफ 3 है। आप देख रहे हैं कि x1 ऑफ 3 मतलब ये 6 है, और x1 ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी है,
6 है, मतलब ये चीज फुलफिल हो रही है। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होना चाहिए, x1 ऑफ 4 माइनस 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, x1 ऑफ 2 के बराबर। तो यहां से तो दिखेगा आपको x1 ऑफ 2, x1 ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए तो मिलेगा ही। अगर यहां पर आपने n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो x1 ऑफ 4 माइनस 3 ये वैल्यू x1 ऑफ 3 के बराबर होनी चाहिए। 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1, तो x1 ऑफ 1 किसके बराबर होना चाहिए, x1 ऑफ 3 के बराबर। यहां से दिख रहा है आपको x1 ऑफ 1 और x1 ऑफ 3 क्या है, सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है x1 ऑफ n इज सर्कुलरली इवन है, ये सर्कुलरली इवन है। ऐसे ही अगर आपको इसको चेक करना होता कि ये सर्कुलरली ऑड है या नहीं है, तो आप इसको या तो इस मेथड से चेक करें या फिर इसको आपने सर्कल पर प्लॉट कर लिया। यहां वैल्यू 2 है, सर्कुलर में सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट कर दीजिए, ये वैल्यू 6 और ये वैल्यू -4। आप देख रहे हैं इससे एक सैंपल आगे 4 है, एक सैंपल पीछे भी वैल्यू ये 4 है तो ये -4 है, मतलब ऑड हो सकता है। लेकिन यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी नेसेसरली, 0। लेकिन ये अदर देन 0 कोई भी वैल्यू है, मतलब ये सीक्वेंस कभी भी ऑड नहीं हो सकता। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट जो है कि x2 ऑफ n इज सर्कुलरली ऑड, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की, तो पहले हम अगर सर्कुलर के लिए कर रहे हैं तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन अगर आप पहले देख लें या दोनों ही आप देख सकते हैं। देखिए अगर आप लीनियर कॉन्वोल्यूशन देखें तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हमारा कोई सीक्वेंस है x3 ऑफ n, अगर हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का, तो ये वैल्यू क्या होती है, समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ k x2 ऑफ n माइनस k, ये जानते हैं आप। तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपको मिलते हैं रिजल्ट में, वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू क्या होती है, जितने x1 ऑफ n में सैंपल्स हैं प्लस जितने x2 ऑफ n में सैंपल्स हैं -1, ठीक है। अब इसको अगर आपको वैल्यूएट करना होता, जैसे आपके पास x1 ऑफ n गिवन है, इट इज इक्वल्स टू 4, 6, 8 एंड 6, और x2 ऑफ n जो सीक्वेंस है उसमें आपको सैंपल्स गिवन है 2, 4, 6 एंड -4, ठीक है। अगर आप यहां पर इसी फॉर्मूले से, अगर आप डायरेक्ट एक बार फॉर्मूले से देख लें कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम शॉर्टकट भी देख लेंगे, तो x3 ऑफ, अगर आपने n की वैल्यू 0 पुट की तो इधर भी 0 पुट कीजिए, तो इधर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ k इंटू x2 ऑफ माइनस k। इसका मतलब अगर आपको y मतलब कि ओरिजिन पर इनके कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट देखना है कि n इज इक्वल्स टू 0 पर क्या वैल्यू होगी, तो एक सीक्वेंस को एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे सीक्वेंस पर टाइम रिवर्सल लीजिए और उन दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x1 ऑफ n n के रिस्पेक्ट में था, x1 ऑफ k हम k के रिस्पेक्ट में यही वैल्यू लिख सकते हैं 4, 6, 8 एंड 6। ओरिजिन कहां पर है, 4 पर, मेंशन नहीं है, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपको ओरिजिन लेनी। x2 ऑफ, अगर हम k लिखते तो x2 ऑफ k ये हमारी वैल्यू होती, लेकिन अगर हम x2 ऑफ माइनस k लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ये ओरिजिन पर वैल्यू है, इसके बाद जो वैल्यूज थी उसको हम क्या कर देंगे, फोल्ड करके, ये वैल्यू सारी कहां जाएंगी, ओरिजिन के पहले, तो ओरिजिन पर वैल्यू होगी 2 और ये सारी वैल्यूज 4, 6 और -4, ये वैल्यूज कहां है, ओरिजिन के पहले है। अगर इधर कुछ वैल्यूज नहीं है तो 0 आप लगाकर बैलेंस कर सकते हैं, इधर कोई वैल्यूज नहीं है तो इनको भी 0 लगाकर बैलेंस कर सकते हैं। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए तो यहां से आपको x3 ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी। x3 ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, ये ओरिजिन पर वैल्यू है, ये एक्चुअली ओरिजिन पर तो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ये ओरिजिन के लिए रिजल्ट है हमारा 4 × 2 = 8, प्लस फिर से इधर भी क्या वैल्यूज मिलेंगी, 0 0 0, ठीक है। तो ये आपको जो रिजल्ट मिला टोटल वैल्यू, ये कितनी मिल रही है, x3 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो जो आपके पास ऑप्शन है उसमें पहला आंसर, जो पहला वैल्यू है, पहली वैल्यू वो मैच कर रही है। ऐसे ही जब आप, ये आपने क्या किसके लिए इक्वेशन लिखा, x3 ऑफ 0 के लिए, अगर इसी इक्वेशन से आप अगर x3 ऑफ 1 देखते तो x3 ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती, कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट एट n इज इक्वल्स टू 1, यहां n की जगह 1 पुट कीजिए तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ k x2 ऑफ
1 माइनस के, ठीक है। n की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी, 1। अब अगर आप x2 ऑफ माइनस के फाइंड कर चुके हैं, इस चीज को देखिए कैसे लिख सकते थे हम, ये जो वैल्यू लिखी हुई है x2 ऑफ 1 माइनस के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे x2 ऑफ माइनस, अगर आपने कॉमन कर लिया तो k माइनस 1, ठीक है। आप टाइम रिवर्सल पहले अप्लाई कर चुके हैं, x2 ऑफ के आप फाइंड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपको शिफ्टिंग कैसी देनी है, डिले करना है। तो डिले करना है तो क्या करेंगे, ये x2 ऑफ के जो वैल्यू है इसको किधर शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड। तो अब आपको x ऑफ के में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, क्योंकि x1 ऑफ के कैसा है हमारा, वो तो हमारा सिर्फ x1 ऑफ के ही रहेगा। इस दूसरी वाली वैल्यू को आपको चेंज करना है, क्या करना है, ये सीक्वेंस एज इट इज रहेगा, इस सीक्वेंस को एक बार राइट हैंड साइड आप शिफ्ट कर देंगे। तो ये x1 ऑफ के में आपको वैल्यूज हैं इस टाइप से 4, 6, 8 एंड 6, और ये x2 ऑफ 1 माइनस के में क्या वैल्यूज होंगी, इसको आपने एक बार राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब ओरिजिन कहां पर आ जाएगा, 4 पर। तो ओरिजिन पर वैल्यू अब ये 4 है, इसके बाद ये वैल्यू 2 है, इसके पहले वैल्यूज हैं 6 एंड माइनस 4। इसके पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लगाकर बैलेंस कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगाकर बैलेंस कर सकते हैं। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू x3 ऑफ 1 की, क्या वैल्यू होगी, 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 28। तो आप अगर अपने ऑप्शंस में देखें, इसमें जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो भी 28 है। तो इस तरह से आप क्या करते, जब आपको x3 ऑफ 1, x3 ऑफ 2, x3 ऑफ 3 निकालना है, तो जिस पर आपने टाइम रिवर्सल लिया उस सीक्वेंस को क्या कर दे जाते, हर बार एक एक राइट हैंड साइड शिफ्ट करते। x3 ऑफ माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 निकालना होता तो जिस पर टाइम रिवर्सल लिया उसी को किधर शिफ्ट करते जाते, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते जाते, जितने अमाउंट से आपको शिफ्टिंग करनी होती। तो इस तरह से आप पूरी वैल्यूज निकाल सकते थे। शॉर्टकट मेथड क्या है, ऑब्वियसली मैट्रिक्स मेथड जानते हैं आप, उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो भी आपके पास सीक्वेंसेस में वैल्यूज लिखी हैं 4, 6, 8, 6 और यहां वैल्यू लिख लीजिए, जो सेकंड की वैल्यूज हैं 2, 4, 6 एंड माइनस 4, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8, 12, 16, 12, फिर ये वैल्यू 16, 24, 32, 24, ये वैल्यू 24, 36, 48 और 36, और ये वैल्यू -16, -24, -32 एंड -24, ठीक है। अब ये आप पार्टीशंस बना लीजिए, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी y ऑफ n की सीक्वेंस की डायरेक्टली। एक बार में आप यहाँ से y ऑफ, मतलब जो आपका कन्वोल्यूशन x3 ऑफ n पूछा गया था, जिसको y ऑफ n नाम दिया गया है, ये y ऑफ n आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू 8 ओरिजिन पर, सेकंड वैल्यू 16 प्लस 12 दैट इज 28, थर्ड वैल्यू देखिए 24, 24 48, 48 प्लस 16 दैट इज 64, नेक्स्ट वैल्यू -16 प्लस 36 दैट इज 20, 20 प्लस 32 52, 52 प्लस 12 दैट इज 64, फिर ये वैल्यू -24, 48 प्लस 24 प्लस 24 एंड 24 प्लस 48, फिर ये वैल्यू प्लस 4 और ये वैल्यू -24। तो अगर आप इसको मैच करें, जो आपके पास गिवन ऑप्शन है 8, 28, 64, 64, 48, 4 एंड, तो देखिए 8, 28, 64, 64, 48, यहाँ तक वैल्यू ठीक है, -24 भी वैल्यू ठीक है, लेकिन ये वैल्यू क्या गिवन है, -4, और आपका जो रिजल्ट आया उसमें वैल्यू आई है +4, मतलब ये जो ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, +4 होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया सर्कुलर लीनियर कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आप अगर रिजल्ट में देखें, टोटल आपको कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, x1 ऑफ n में 4 वैल्यूज थी, x2 ऑफ n में 4 वैल्यूज थी, तो इसमें मिलने भी कितने थे, 4 प्लस 4 दैट इज 8 माइनस 1 दैट इज 7, तो वही 7 सैंपल्स आपको आउटपुट में मिले, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में अगर हम दो सीक्वेंसेस का सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन लेते हैं, सपोज हमने कहा कि y ऑफ n हमारा कोई सीक्वेंस है जो x1 ऑफ n, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को नॉर्मली आप n के ऊपर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे भी अगर आप सर्कुलर लिख करके दे देंगे आपको एग्जाम में, तो कंसिडर कर लेना है कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन पूछा जा रहा है, इनटू x2 ऑफ n, तो इसके लिए वैल्यू होती है समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, क्योंकि अब आप सर्कल पर मूव कर रहे हैं
वही सैंपल्स हमारे रिपीट होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बस वो शिफ्ट हो जाएंगे। एक्स वन ऑफ एम, एक्स टू ऑफ एन माइनस एम मॉड्यूलो एन, ठीक है। तो अभी हमने ये एन माइनस एम मॉड्यूलो एन का मतलब समझ लिया है, एन माइनस एम मॉड्यूलो एन कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको पता है। तो अब इसी चीज को लेकर जैसे आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना होता, तो जैसे सपोज हम वाई ऑफ जीरो देखना चाहते, तो वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती, इस इक्वेशन में एन की जगह पर जीरो पुट कर दीजिए, तो समेशन इट इज नॉट फॉर एन, ये किसके लिए, समेशन एम के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बेस एम लेकर चल रहे हैं दोनों सिग्नल्स का। तो एम इज इक्वल्स टू जीरो टू एन माइनस वन एक्स वन ऑफ एम एंड एक्स टू ऑफ एन की जगह पर आपने कितना पुट कर दिया, जीरो, तो जीरो माइनस एम मतलब क्या होगा, माइनस एम मॉड्यूलो एन। तो अब आप इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से अगर सॉल्व करें तो देखिए एक्स वन ऑफ एम सीक्वेंस को प्लॉट करना आप जानते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे, एक सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस एक्स टू ऑफ माइनस एम मॉड्यूलो एन इसको भी प्लॉट करना देख लिया आपने, कैसे प्लॉट करेंगे हम, एक सर्कल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएं, दो सर्कल्स, सपोज एक हमारा ये सर्कल है, ये इस पर हम अगर क्या लिखना चाहते हैं, एक्स वन ऑफ एम लिखना चाहते हैं, तो एक्स ऑफ एन में, एक्स वन ऑफ एन में क्या वैल्यूज हैं, ये हमारा एक्स वन ऑफ एन है और ये हमारा एक्स टू ऑफ एन, ठीक है। एक्स वन ऑफ एन में वैल्यूज हैं 4, 6, 8 एंड 6, तो हमने ये 4, 6, 8 एंड 6 ये जो वैल्यू हमने लिखी है, ये जो सर्कल है हमारा, ये हमने सर्कल किसके लिए ड्रॉ किया, ये सर्कल क्या है हमारा, एक्स वन ऑफ एम है, ठीक है। इस सर्कल में आपको कभी कोई चेंजेस नहीं करने, हर इसके आगे भी, जैसे अभी हमने इस लीनियर कॉन्वोल्यूशन में देखा था कि एक्स वन ऑफ के सिग्नल सब केसेस में एज इट इज आता है, आप शिफ्ट किस में करते हैं, जिस पर आपने टाइम रिवर्सल लिया था सिर्फ उसी सीक्वेंस को आप शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ही अगर ये एक्स वन ऑफ एम है, अगर आप एक दूसरा कोई सर्कल ड्रॉ करें किसके लिए, फॉर एक्स टू ऑफ माइनस एम के लिए, तो एक्स टू ऑफ माइनस एम, एक्स टू ऑफ एन में ये वैल्यूज हैं 2, 4, 6 और -4। अगर हम सिर्फ एक्स टू ऑफ एम प्लॉट करते तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ 4 लिखते, यहाँ 6 लिखते, यहाँ -4 लिखते, लेकिन हम माइनस एम प्लॉट कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज लिखेंगे, तो 2 के बाद जो वैल्यू है 4 वो यहाँ लिखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 6 वो यहाँ लिखेंगे, और जो फाइनल वैल्यू है -4 वो यहाँ लिखेंगे। अब इनकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ जीरो मिल जाएगा। तो यहां से देखिए वाई ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, 2 × 4 दैट इज 8, -4 × 6 दैट इज -24, 6 × 8 दैट इज +48 और 4 × 6 दैट इज +24। ये 24 कैंसिल हो गया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 56। तो जो ऑप्शन आपको गिवन है उसमें भी फर्स्ट वैल्यू जो है वो 56 है, ठीक है। ऐसे ही अब जब आप यहां पर y ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करते तो y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 x1 ऑफ m, अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहां लेकिन अगर आपने m इसकी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1, तो अब आपका सीक्वेंस क्या होगा, x2 ऑफ 1 माइनस m मॉड्यूलो n, n की वैल्यू 4 है। अब ये जो सीक्वेंस है 1 माइनस m, या आप फिर से इसको समझ सकते हैं कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ m माइनस 1 है ये। तो फिर से ये जो आपने सर्कल दूसरा ड्रॉ किया, ये सर्कल आपका कौन सा सर्कल है, x2 ऑफ माइनस m मॉड्यूलो n का सर्कल है। इस सर्कल को एज इट इज रखना है सारे केसेस में, ये जो अंदर का आपने x1 ऑफ n सर्कल ड्रॉ किया है, जो बाहर का सर्कल है इन वैल्यूज को हर बार एक एक बार रोटेट करते जाना है आपको, किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जो वैल्यू 2 यहां है, अब वो वैल्यू 2 कहां जाएगी, इस जगह आ जाएगी। तो अगर आप ये इसके लिए अगर वैल्यू कैलकुलेट करते तो फिर से हम ये दो सर्कल्स बनाते, यहां वैल्यूज कॉन्स्टेंट, ये वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं करने आपको, 4, 6, 8 एंड 6, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाती, यहां वैल्यू 2 आ जाती, यहां वैल्यू -4 आ जाती, यहाँ वैल्यू 6 आ जाती और ये वैल्यू हमारी 4 होती। तो अब अगर यहाँ से आप देखें y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 की वैल्यू में करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 16 + 12 - 32 एंड + 36 दैट इज
28 माइनस 32 दैट इज माइनस 4, माइनस 4 एंड प्लस 36 दैट इज प्लस 32. तो जो सेकंड वैल्यू आप देख रहे हैं वो सेकंड वैल्यू भी आपको कितनी गिवन है, 32. मतलब यहाँ तक आपका जो ऑप्शन है वो सही आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे ही आप नेक्स्ट टाइम क्या करते, इन वैल्यूज को एक बार और शिफ्ट कर देते. किसको? आउटर सर्कल को एक बार और शिफ्ट करते, तब मल्टीप्लाई करके ऐड करते, फिर रिजल्ट दिखता. ठीक है, तो इससे आप बाकी दो सैंपल्स और निकाल सकते हैं. अब जैसे मैट्रिक्स मेथड हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स मेथड आप शॉर्ट में कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. किसको? सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को. कैसे यूज कर सकते हैं? आपके पास एक्स वन ऑफ एन है जिनमें वैल्यूज हैं 4, 6, 8 एंड 6, और एक्स टू ऑफ एन में आपके पास वैल्यूज हैं 2, 4, 6 एंड -4. ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर आपको कन्वॉल्व करना है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो एक मैट्रिक्स किसी को भी वो आप फिक्स करके लिख लीजिए. आप जिसको भी फिक्स करना चाहते हैं, जैसे सपोज हम x2 ऑफ n को फिक्स करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2, 4, 6 एंड -4. अब यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगा, ये दूसरा मैट्रिक्स, इसमें देखिए आपको कैसे लिखना है. ये 4, 6, 8, 6 एक बार एज इट इज लिख दीजिए, 4, 6, 8 एंड 6. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप यहां से शुरू कीजिए वैल्यू लिखना. इस 6 से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो 6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी? सर्कल पर हम है तो 6 के बाद क्या वैल्यू आएगी? 4. तो नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखा आपने? 4, देन अगेन 6, देन अगेन 8. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप 8 से लिखना शुरू कीजिए. तो 8 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 6. 6 के बाद फिर कौन सी वैल्यू आएगी? 4. और 4 के बाद फिर से कौन सी वैल्यू आएगी? 6. 8 से लिखना शुरू कर दिया आपने, अब उसके बाद फिर कहाँ से लिखना शुरू कीजिए? इस 6 से लिखना शुरू कीजिए. तो 6, 8, 6 और फाइनली क्या लिखेंगे? 4. अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? इनके मल्टीप्लीकेशन से अपना सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट y(0, y(1, y(2 एंड y(3). देखिए कैलकुलेट करके, अगर आप यहां से देखते तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती? 4 × 2 दैट इज 8, प्लस 24, प्लस 48, माइनस 24. तो ये वैल्यू क्या हो जाती? 56. सेकेंड वैल्यू अगर आप देखते y ऑफ 1, तो ये वैल्यू क्या होती? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 × 2 12, प्लस 16, प्लस 36, माइनस 32. ये वैल्यू हो गई 28, प्लस 36, और इसमें से इसको आप कर सकते हैं 4. मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32. y ऑफ 2 की वैल्यू देखिए क्या होगी. y ऑफ 2 के लिए इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए इस कॉलम से, 8 × 2 दैट इज 16, प्लस 24, प्लस 24 एंड प्लस माइनस 24. फिर से चेक कर लीजिए, 8 × 2 16, प्लस 24, प्लस 24, माइनस 24. 2, 4, 6 एंड -4 ही है वैल्यूज. हाँ, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 40. ऐसे ही y ऑफ 3 की वैल्यू आप देखते तो लास्ट रो को आप मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी 12, प्लस 32, प्लस 36 एंड माइनस 16. मतलब ये वैल्यू हो गई 20, 52 प्लस 12 दैट इज 64. तो ये जो वैल्यू आ रही है 56, 32, 40 एंड 64. तो अब यहाँ आपने चेक किया, 56 सही है, 32 सही है, 40 एंड 64, तो ये सारी वैल्यूज आपकी सही हैं. मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका ये सही है. तो कंसिडर आपको करना था इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो 1 एंड 4 ये ऑप्शंस हमारे सही हैं स्टेटमेंट्स. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन, ये करेक्ट है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. DFT में सर्कुलरली शिफ्ट कैसे हम करते हैं, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, लीनियर कॉन्वोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. अब जैसे लीनियर कॉन्वोल्यूशन में आपने कहा कि 4 और 4 के दो सैंपल्स के लिए अगर लीनियरली कन्वॉल्व किया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल 7 होंगे, लेकिन जब आप x1 और x2 ऑफ n को सर्कुलरली कन्वॉल्व करते हैं तो इनमें से जो ज़्यादा लेंथ का सीक्वेंस है उतने ही सैंपल्स आपको मिलेंगे कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट में. जैसे यहाँ दोनों में ही 4 थे तो रिजल्ट में भी कितने सैंपल्स मिले? 4 सैंपल्स मिले. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. DFT में और जो चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जो आप पार्सिवल्स रिलेशन लिखते हैं वो भी चीज़ आप याद रखेंगे कि समेशन x=0 to n-1 x ऑफ n के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1/n टाइम्स समेशन k=0 to n-1
x ऑफ k dft जो है उसके समेशन के स्क्वायर के ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी एक मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हैं, जैसे ये कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर हम x1 ऑफ n और x2 ऑफ n इन दो सिग्नल्स को अगर हमने कन्वॉल्व किया, कैसा सर्कुलर कन्वोल्यूशन है अगर हमारा x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का सर्कुलर कन्वोल्यूशन अगर हम कर लें, तो इस पूरे के लिए जो इक्विवेलेंट डीएफटी आएगा, इस पूरे सिग्नल का इक्विवेलेंट डीएफटी, वो डीएफटी की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन ऑफ के इन टू एक्स टू ऑफ के, मतलब जो इंडिविजुअल डीएफटीज हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, जैसे आप फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ते हैं, लैपलास में पढ़ते हैं। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमने सीक्वेंस को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स वन ऑफ एन इन टू एक्स टू ऑफ एन, तो इसके लिए जो डीएफटी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन एन टाइम्स एक्स वन ऑफ के सर्कुलरली कन्वॉल्व विथ एक्स टू ऑफ के। तो कॉन्वोल्यूशन निकालने का मेथड तो सेम है, कैसे निकालना आपको दो मेथड्स आपने देख लिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। x1 ऑफ k x2 ऑफ k में भी क्या होंगे, सैंपल्स होंगे, तो उन सैंपल्स को अगर आप लीनियरली कन्वॉल्व सर्कुलरली कन्वॉल्व कर लेंगे और उसको 1 बाई एन से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस टाइम डोमेन में इसका अगर इनवर्स डीएफटी फिर लेंगे तो आपको क्या सीक्वेंस मिल जाएगा, x1 ऑफ n इनटू x2 ऑफ n। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन लिया, जिसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं था, कुछ ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा है, ये जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज है इसमें आपका ये 9th क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, तो प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।